आज फ्रेंड बात करने वाले हैं HVAC में, और HVAC का क्या क्या काम होता है। और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, ये HVAC की पाइपें हैं, इन और आउट पाइप है, जो कि एक तरफ से पानी आता है और एक तरफ से पानी हमारा जो जाता है सिस्टम में वापस HVAC में, चिल्लर में। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, ये हमारा जो इंसुलेशन है पूरा डैमेज हो गया है। और ये क्यों डैमेज हुआ वो आपको बताएँगे, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, ये हमारा एक्टिवेटर मोटर है, यानी हमारा जो कूलिंग मोटर है वो है। तो ये जो हमारा जो कूलिंग मोटर है वो डायरेक्ट हो गया है, यानी जो हमारा सिस्टम से काम नहीं कर रहा है, जो हमारा हैनीवल का थर्मोस्टेट है उससे काम नहीं कर रहा है, अपने आप ही चलता है अपनी मर्जी से। यानी ये जो हमारा सिस्टम, ये जो हमारा वाल्व है वो ख़राब हो गया है, इसके वजह से जो हमारा इंसुलेशन है वो पूरा डैमेज हो गया है। और भी कारण है इसके, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए फ्रेंड। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हो जो माउथ का इंसुलेशन है वो भी पूरा तरह से डैमेज हो गया है, यानी पूरी ख़राब हो गई है। बहुत ही ख़राब कंडीशन में ये मशीन था जब हमको कंप्लेन में मिला, तो बहुत ही इसका जो कंडीशन था बहुत ही ख़राब हो गया था फ्रेंड। आप देख सकते हो जो हमारा चिल्लर लाइन का पाइप है, इनलेट और आउटलेट दोनों पाइपें पूरी तरह से एकदम बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गई है। यानी जो हमारा जो चिल्लर है वो पूरा, जो हमारा जो FCU है वहाँ पे जो हमारी पाइपें आई हैं पूरी तरह से ख़राब हो गया है फ्रेंड। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंसुलेशन है, अगर हमारा जो सर्कुलेशन, जो हमारा मोटर है वो अगर चलता रहता है और इंडोर बंद है, जैसे कि ये डायरेक्ट हो गया था, तो हमारा जो चिल्लर है वो कंटिन्यू चल रहा था, जो हमारा सर्कुलेशन है पानी का, जो सर्कुलेशन है चिल्लर में पानी का सर्कुलेशन होता है कूल वाटर का, तो वहाँ पे क्या हो गया था कि हमारा इंडोर बंद था लेकिन जो हमारा पानी है वो चल रहा था। इसके वजह से फ्रेंड क्या हो गया कि जो हमारा जो इंडोर में बहुत सारा कूलिंग, मतलब ज़्यादा कूलिंग होने की वजह से पूरा इंसुलेशन डैमेज हो गया, क्योंकि जो भी FCU में जो हमारा पानी जा रहा था वो इंडोर तो हमारा बंद था, इसके लिए हमारा कूलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन हमारा इसके वजह से जो हमारी पाइपें हैं, इंसुलेशन जो पाइपें हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो गई फ्रेंड। इसमें ये हमारा एक चीज़ बच गया कि जो हमारा फ़ैन मोटर है वो बच गया। और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा मोटर है वो डायरेक्ट हो गया है। देख सकते हो ये जो हमारा पिन है, ये कैरियर का एक HUI मोटर है, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड ये पूरा डायरेक्ट हो गया है, यानी ये काम नहीं कर रहा। अंदर एक मोटर होता है, आपने कभी देखा होगा जो स्विंग मोटर का, जो स्विंग मोटर, जो विंडो AC का जो स्विंग मोटर होता है आपने पुरानी मशीनों में देखा होगा, सेम वही मोटर होता है, 220 वोल्ट से चलता है। तो ये हमारा ख़राब हो गया था, इसके वजह से हमारा जो पूरा स्विटिंग हो गया था, यानी पानी हो गया, और हमारा ये AC भी पानी हो गया था, और इसके वजह से हमारा इंसुलेशन हर एक चीज़ पूरा पानी हो गया फ्रेंड। तो कभी भी अगर ऐसा वाटर लीकेज का ज़्यादा HVAC जो हमारा होता है FCU में, वाटर लीकेज का बहुत ही कंप्लेन आता है, ज़्यादातर वाटर लीकेज का ही कंप्लेन आता है। तो आप फ्रेंड, अब ज़्यादातर आप अगर कंप्लेन पे जाते हो तो उसको जो हमारा कूलिंग वाल्व है, कूलिंग वाल्व और एक्चुएटर मोटर, ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए पहले, कि अगर ये हमारा चीज़ अगर वर्क कर रहा है, अच्छे से प्रॉपर काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं होएगा। नहीं तो अगर हमारा HVAC का जो हमारा चिल्लर का जो कूलिंग वाल्व है, अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हमारा AC में बहुत सारा कंप्लेन आता है। तो ये अगर HVAC का काम अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड, और लाइक करो वीडियो को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो आपको डालूं चैनल पे तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड आज हम जानेंगे HVAC में क्या क्या काम होता है और कैसे कैसे काम होता है। फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा HVAC में जो मोटर लगा हुआ है वो सिंगल फेस 220 वोल्ट का लगा हुआ है, ये देख सकते हो। तो ये डायरेक्ट हो गया था, तो इसमें क्या काम करता है, ये जो हमारा चिल वाटर आता है वहाँ पर रुका रहता है। इसमें 3-way वाल लगा हुआ है, यानी AB में लगा हुआ है, AB+A और B लगा हुआ है, वहाँ पे हमारा पानी आके रुका होता है। जब हमारा थर्मोस्टेट से पावर आता है तब ये मोटर ऑन हो जाता है, और जो हमारा चिल वाटर है वो FCU में जाता है, फिर रिटर्न होके कूलिंग कॉइल से, जो हमारा कूलिंग कॉइल है वहाँ से रिटर्न होके अपने जाके चिलर में वापस चला जाता है। तो यही सर्कुलेशन होता है, सेम गैस के जैसा है, लेकिन इसमें एक HU मोटर लगा हुआ है, एक्चुएटर मोटर लगा हुआ है, वो काम करता है, फिर हमारा कूलिंग स्टार्ट होता है। तो जो भी हमारा है वो थर्मोस्टेट से कंट्रोल होता रहता है, जिस टेम्परेचर पर ऑन होना है, जिस टेम्परेचर पर बंद होना है, वो हमारा थर्मोस्टेट काम करता है। तो फ्रेंड HVAC में, चिलर में यही है। बाकी जो मैं
वीडियो है वो आपको दूसरा वीडियो बनाएगा, उसके अंदर आपको बताएगा चिल्लर एसी का क्या काम है, पूरा प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाएगा। और बाकी ये चिल्लर एसी का कुछ मोटी मोटी सी कंप्लेने हैं, छोटी छोटी सी कंप्लेने हैं जो उनके बारे में मैं आपको टिप्स ये वीडियो में बता रहा हूँ। ये आपको जाना है तो पहले थर्मोस्टेट चेक करना है, चिल्लर वाटर चेक करना है, चिल्लर वाटर का जो मोटर है वो चेक करना है प्रॉपर, अगर वो काम कर रहा है तो सही है। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।